सो गाइज, आज हम लोग एक ऐसे बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही काम के एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपने हार्डवेयर, सीपीयू, बैटरी टेम्परेचर, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और तो और, इसमें एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि है ओवर ईटिंग अलार्म। यानी कि जब आपका फ़ोन ओवर ईट हो, आपको एक अलार्म मिल जाएगा जिसको सुनकर आप दूर हो सकते हो फ़ोन से, ताकि आप सेफ रहो। हम ये सभी जानते हैं कि फ़ोन ओवर हीट नहीं होना चाहिए। ये एप्लीकेशन मैं बोलता हूँ हर एक मोबाइल यूज़र के फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि बताया था बैटरी टेम्परेचर के बारे में, तो बहुत सारे लोगों के वहाँ पर सवाल आए थे कि हमारे फ़ोन में ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो अब आप इसकी मदद से बैटरी टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो, सीपीयू टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो, हार्डवेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, सब कुछ आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ओवर हीटिंग अलार्म भी यहाँ पर है। कैसे सेटअप करना है, इन्फॉर्मेशन किस किस प्रकार की मिलेगी, सब आपको बताया वीडियो में। एप्लीकेशन का नाम है सीपीयू मॉनिटर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक देखना। हर एक मोबाइल यूज़र के फ़ोन में ये ऐप होना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही काम की वीडियोज़ यहाँ पर आपको रेगुलर देखने को मिलती रहती है। सभी तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, और अपने आप को सेफ रखें, अपने फ़ोन को भी सेफ रखें, साथ ही टेम्परेचर भी चेक करते रहें। रियल टाइम टेम्परेचर आपको दिखाता है जैसे जैसे इधर उधर अपडेट होता है, रियल टाइम। लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दो, लाइक का बटन दबा दो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम चलते हैं सीपीयू मॉनिटर एप्लीकेशन में। तो इसको ओपन किया, सबसे बढ़िया बात, ये किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं मांगती है, तो काफ़ी सेफ है, ट्रस्टेड है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इंस्टॉल करना है और ओपन करना है, आपको रियल टाइम टेम्परेचर दिख जाएगा। तो अभी हम आगे देखते हैं। ये जो बटन है, ये सेटिंग्स का बटन है, इसके द्वारा आप एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जा सकते हो। हम लास्ट में बताएंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तो आगे देखेंगे। इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर तीन टैब्स हैं या तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखेगी, सीपीयू टेम्परेचर कितना है, हार्डवेयर के बारे में जानकारी दिखेगी, गीगाहर्ट्ज़, सब कुछ ए टू जेड आपको दिखेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, है ना, जो भी आप समझ लो भैया, आप समझ ही गए होंगे, इतना महंगा शब्द है हम इसको बोल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपको लास्ट 24 आवर्स में कितना एवरेज था, 7 डेज में कितना एवरेज था, कुल मिलाकर जो आप टेम्परेचर देख रहे थे वो बताएगा कि कितना एवरेज होना चाहिए, सही है टेम्परेचर या नहीं, है ना। पिछले 24 घंटे में कितना देखा आपने टेम्परेचर, कितना हुआ एवरेज, कितना, ये सब आपको ज्ञान देगा यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाई देंगी। अभी भी मैंने सही नहीं बोला है तो क्या कर सकते हैं। सिस्टम, दूसरा है सिस्टम, यहाँ पर आपको सिस्टम का सब टेम्परेचर पता चल जाएगा, फोन बैटरी का टेम्परेचर, सीपीयू टेम्परेचर, सब पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करेंगे सबसे पहले और आगे देखते हैं। CPU information, CPU hardware, Qualcomm technologies, Inc. STM 636, CPU cores 8, CPU frequency 4x1.61 GHz, 4x1.80 GHz। तो यहाँ पर ये CPU की information दे रहा है ना, कौन सा प्रोसेसर है, Qualcomm का है, 4x1, ये सब information दे रहा है, अभी temperature नहीं है। Space, तो आगे देखते हैं। Hardware information, model Redmi Note 5 Pro, brand Xiaomi, manufacturer Xiaomi, है ना, अभी hardware की information दे रहा है, तो बिल्कुल जो आपका फ़ोन होगा उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन देगा, और ये रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब टेम्परेचर मान लीजिए अभी 45 है, और अगर आप ऐप में ही हो और रियल टाइम टेम्परेचर देख रहे हो, और मान लीजिए देखते देखते 44 हो गया, तो वहाँ पर भी 44 ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है आपने ऐप ओपन किया वहीं पर रुक जाएगा, रियल टाइम जितना टेम्परेचर होगा उतना ही शो करेगा। System information, code name Pi, Android version 9, API level 28, security patch level the 5th of August 2020. है ना, सब बता रहा है security update कब आई, एकदम information दे रहा है पूरी system की, यहाँ से आप पता लगा ही सकते हो। Screen information, screen size 5.99 inches, screen resolution 1080x2160 pixels, screen density x 403 dpi, y 403 dpi. है ना, screen की information भी दे रहा है हमको। 42. अब 42. ये आ रहा है temperature. CPU, है ना, लास्ट में सबसे टेम्परेचर दिखेगा। स्क्रीन इन्फॉर्मेशन, CPU बटन, स्क्रीन इन्फॉर्मेशन, CPU स्क्रीन, सिस्टम इन हार्डवेयर, स्क्रीन, CPU बटन, स्क्रीन इन, CPU सिस्टम हार्ड, CPU सी हार्ड, स्क्रीन इन्फॉर्मेशन 43, देखिए 43 हो गया है ना। अब हम इधर उधर देखिए, 42 हो गया है, इधर उधर घूम रहे हैं, टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, जितना फोन हीट हो रहा है उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितना भैया कम हो रहा है, मैं कवर निकाल कर देखता हूँ कुछ फर्क पड़ता है क्या। हम यहीं पर रहेंगे ताकि ये हमें अपडेट करता रहे, तो कवर मैंने जो है निकाल दिया है, और कर्सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
अभी जैसे मैं कर्सर हिलाऊंगा, स्क्रीन इन सीपीयू, देखिए कर्सर हिल गया, तो हमको फिर से बैक मतलब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना, 42 ही है अभी। तो जितना टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहेगा, वैसे 42 ज़्यादा ही है, मेरा फ़ोन एक्चुअली में हीट बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए यहाँ पर 42 टेम्परेचर दिखा रहा है। देखिए 41 हो गया है, 42. है ना, 42 फिर से हो गया, रियल टाइम अपडेट हो रहा है यार, ये सही है मतलब, है ना, 41. तो ये देखिए 41, मतलब खड़े खड़े आप पता 42. लगा सकते हो, आपको कर्सर हिलाने की जरूरत ही नहीं है, है ना, आपको आपके फ़ोन के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। अभी तो ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं 41. मिली है, अगर आप इन्फॉर्मेशन टैब में जाओगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आदि आपको पता भी नहीं होगी, है ना, बहुत सारे गीगाहर्ट्ज़ वगैरह सब कुछ बताएगा। तो अभी हम इन्फॉर्मेशन में चलते हैं, यहाँ पर तो आपने देख लिया है स्क्रीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सीपीयू इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। इन्फॉर्मेशन में देखते हैं, बहुत कुछ दिखाएगा यहाँ पर, तो देखिए ओवरऑल सीपीयू यूसेज 65%, 41 सीपीयू, हार्डवेयर क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज, इंक एसडीएम 636, सीपीयू कोर्स 8, सीपीयू फ्रीक्वेंसी 4x1.6, ओवरऑल सीपीयू यूसेज 65%, स्पेस। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल सीपीयू यूसेज दिखाएगा, यानी कि सब कुछ मिलाकर जो ओवरऑल होगी वो आपको यहाँ पर शो करेगा, सब कुछ शो करेगा ए टू जेड। ओवरऑल सीपीयू 1902 MHz, CPU frequency graph 900 CPU frequency. CPU temperature graph 44. अब temperature बता रहा है, तो कुल मिलाकर इन्फॉर्मेशन में आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इन्फॉर्मेशन में तो हमने बता ही दिया है, हम दोबारा क्यों बोल रहे हैं, उसके बाद आपको जो है सिस्टम में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सिस्टम के बारे में हार्डवेयर कौन सा है, सब कौन सा है, टेम्परेचर भी पता चल जाएगा। अब ये बचा है जो हमसे बोला नहीं जा रहा था, अब ट्राई करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जाएगा, इसी में चलते हैं। सिस्टम स्पेस CPU frequency statistics for over the past 24 hours average 0% 1.61 GHz average 0% 1.61 GHz average 0% बता रहा है। CPU temperature statistics for over the past 24 hours statistics. Average CPU freak space यानी कि सब चीजों की स्टैटिस्टिक्स बताएगा आपको, टेम्परेचर की, है ना, CPU की, सब कुछ बताएगा, पूरी स्टैटिस्टिक्स CPU temperature statistics कब बोल पाऊंगा मैं इसको CPU. तो ये सब यहाँ पर है। अब बटन में चलते हैं, यानी कि सेटिंग में चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। CPU monitor. अब यहाँ पर देखिए, बाकी तो सेटिंग हमको वैसे छेड़नी नहीं है ज्यादा। Setting, button, apps, ultimate version, monitor, CPU, memory, battery, all in one. है ना, यहाँ इनको कुछ भी नहीं छेड़ना है। More apps, more powerful, custom. आगे आ जाना आपको। Theme color, theme red, theme green, theme blue, theme yellow, theme sign, dark theme, switch to off switch. Switch link, switch, notification switch, tap to switch on, switch है ना, on. अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो हो तो आप नोटिफिकेशन शेड में डायरेक्ट देख पाओगे, बार बार एप्लीकेशन ना ना पड़े, तो आप इसको ऑन रख सकते हो। आगे आती है सबसे इम्पोर्टेंट, डेस्कटॉप फ्लोटिंग, ये भी नहीं floating, है, off, switch ये off, temperature. अरे यार ये भी नहीं है, overheating alarm. हाँ ये रही, overheating alarm. जब देखिए, ये हम सभी जानते हैं, हमारा फ़ोन बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। अगर ओवरहीटिंग हो गई तो भैया मोबाइल में कुछ भी हो सकता है, बैटरी को नुकसान हो सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है अगर आप पास में हो। तो जब आपका फ़ोन ओवरहीट हो रहा हो ना, तब आपको ये अलार्म दे देगा, यानी कि हम जानते हैं 45 से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है, अगर 50 चला जाता है तो और ही खतरा है। तो यहाँ पर जब भी 45 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, तो आपको ये अलार्म बजा कर दे देगा, यानी कि अलार्म सुनाई दे देगा, आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर 45 से ऊपर है, फ़ोन को अपने आप से दूर कर लो ताकि आपको कुछ नुकसान ना हो। Notify CPU or battery temperature overheating. है ना, तो ये notify नहीं है, इसको ऑन कर दीजिए, ऑफ होगा। Alarm threshold. उसके बाद अलार्म थ्रेशोल्ड है। CPU 45. तो यहाँ पर 45 हो रखा है, यानी कि 45 जब टेम्परेचर हो या उससे ज़्यादा हो तो आपको अलार्म जो है सुनाई देगा। बैटरी यहाँ पर बैटरी का भी टेम्परेचर 45 है, सीपीयू का टेम्परेचर और बैटरी का टेम्परेचर यहाँ पर दोनों ही 45 है, तो इन दोनों में से अगर किसी का भी टेम्परेचर 45 जाता है तो आपको अलार्म सुनाई देगा, तो आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पर। मिनिमम अलार्म इंटरवल, अब यहाँ पर आपको वो सेट करना है मिनिमम अलार्म इंटरवल। रेडियो 5 मिनट्स, 5 मिनट्स कर लेते हैं। बस इतना ही आपको काम करना है ना, अब कुछ भी सेटिंग करनी नहीं है हमको, ऐप की सब सेटिंग हो गई है। अब अगर कभी भी यहाँ पर टेम्परेचर जाएगा 45 से आगे तो हमको टेम्परेचर मतलब अलार्म सुनाई दे जाएगा, तो हम अपने आप को जो है फ़ोन से दूर कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट हम तो सेफ रहें। और यहाँ पर मुझे तो काफ़ी सही ऐप लगा, ऑल इन वन ऐप लगा चेक करने के मामले में, है ना, हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, सीपीयू की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो और क्या चाहिए, है ना। और गाइज ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, इन चीज़ों का आप इग्नोर मत करना, नॉर्मल मत समझना, ज़रूर डाउनलोड करना,
फ़ोन को यूज़ करते हुए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट करके बताओ आपको ये सिंपल सी लेकिन बहुत ही काम की एप्लीकेशन कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक्सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले एक कमाल की चीज़ दिखाना चाहूँगा, किस तरह से आपको नोटिफिकेशन शेड पर ही डायरेक्ट आपको अपना जो है टेम्परेचर दिख जाएगा। मैं होम स्क्रीन पर वो भी देखें, है ना, तो अभी यहाँ पॉपअप जहाँ पर आता है, जहाँ बैटरी वगैरह दिखती है, वहीं से टेम्परेचर दिखाता हूँ। तो यहाँ में नोटिफिकेशन दिखेगी, CPU monitor notification, CPU 38 degrees Celsius, memory 75%, battery 35 degrees Celsius, stop recording. है ना, memory 74% use हो चुकी है, CPU का temperature 38 degree Celsius है, battery का temperature 35 degree Celsius है। तो आपको application में जाने की जरूरत ही नहीं है, direct आप अपनी notification shade से ही temperature को देख सकते हो। तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा था उस option को on ज़रूर रखना। चलो भैया अब धन्यवाद। स्टिक्स क्या होता है यार।